उज्जवल भारत न्यूज डेली बुलेटिन 9 PM में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के डेली बुलेटिन एट 9 PM में आप सभी का स्वागत है। आखिर गुजरात में क्यों हो रहा है स्मार्ट मीटर का विरोध? पड़ताल के बाद सामने आया सच। गुजरात के कुछ इलाकों में स्मार्ट मीटर्स को लेकर काफी विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस बात की पड़ताल की गई है कि विरोध क्यों हो रहा है और क्या वाकई में स्मार्ट मीटर्स की व्यवस्था लोगों के लिए जेब पर डाका डाल रही है। स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे गुजरात के साथ पाटन कांग्रेस विधायक किरीट पटेल ने भी गुजरात ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई को लिखा पत्र, स्मार्ट मीटर न लगाने के लिए लिखा पत्र। पाटन शहर या जिले में स्मार्ट मीटर नहीं लगाने के लिए ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र। केंद्र सरकार की RDSS परियोजना के तहत राज्य के सभी उपभोक्ताओं के मीटर स्मार्ट करने का आदेश, जिसके तहत पाटन जिले के सभी ग्राहकों को अपने मीटर को स्मार्ट बनाने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल प्रदेश के कुछ शहरों में जनता स्मार्ट मीटर का विरोध किया गया है, इसलिए ऊर्जा सचिव ने प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का काम रोक दिया गया है, लेकिन फिर से इस स्मार्ट मीटर की शुरुआत पाटन से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। पाटन जिला बेहद पिछड़ा और कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर करता है। पाटन जिले में स्मार्ट मीटर नहीं लगाने का पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है। हालांकि अगर इसे लगाया गया तो जनता के साथ मिलकर विरोध करने की बात पत्र में भी कही गई है। आखिर जनता क्यों कर रही है स्मार्ट मीटर्स का विरोध, आइए जानते हैं कांग्रेस के विधायक श्री इस मामले में स्मार्ट मीटर न लगाने की क्या वजह बताते हैं। आइए सुनते हैं कांग्रेस के विधायक की जबानी पाटन से। देखते रहिए डेली बुलेटिन एट 9 PM उज्ज्वल भारत न्यूज। प्रखर आवाज सीमा पर चला। धन्यवाद। आज मैं राज्य ऊर्जा मंत्री ने एक पत्र लखी अने पाटन शहर अने पाटन जिला नी अंदर स्मार्ट मीटर ना नखवा माटे रजूआत करी छे। समग्र राज्य नी अंदर जुदा जुदा शहरों नी अंदर जयरे स्मार्ट मीटर नो विरोध थई रह्यो छे। नामदार हाईकोर्ट नी अंदर पण आ बाबते पिटिशन चाले छे अने नामदार हाईकोर्टे सचिव सहित तमाम अधिकारियों ने रूबरू बोलाव्या छे। राज्य सरकार करोड़ों नो खर्च करी અને થોડા સમય પહેલા લગાવેલા મીટરો શા માટે બદલી રહી છે એની પણ રાજ્ય સરકાર પાસે કોઈ પૂરી જાણકારી નથી કે સાચો જવાબ નથી અને પ્રજાને પણ કોઈ તકલીફ નથી જે લગાવેલા છે મીટરોથી, તો શા માટે કરોડોનો ખર્ચ કરી અને આ મીટરો નાખવામાં આવે છે? મીટરોની અંદર પણ વીજ બિલ ઊંચા આવવાની ફરિયાદો સમગ્ર રાજ્યની અંદર જ્યાં જ્યાં પણ મીટર નાખ્યા ત્યાં મળી છે, ત્યારે પાટણ જિલ્લા એ પછાત જિલ્લો છે, સામાન્ય મને મધ્યમ પરિવારના લોકો અહીંયા રહે છે। પાટણ શહેરની અંદર પણ લારી ગલ્લા ચલાવી અને આજીવિકા મેળવતા મોટાભાગના વેપારીઓ છે, કોઈ મોટા ઉદ્યોગ ધંધા નથી, તો શા માટે પાટણ શહેર અને પાટણ જિલ્લામાંથી શરૂઆત કરવી એ યોગ્ય નથી અને અમારો વિરોધ કરવા છતાં અમારી રજૂઆત છતાં પણ પાટણ જિલ્લાની કે શહેરની અંદર સ્માર્ટ મીટર લગાવવામાં આવશે તો પ્રજાની સાથે રાખીને વિરોધ કરીશું એની પણ અમે રજૂઆત કરી છે।